जो मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई भारत बंद के दौरान, अब आपकी जो खुफिया एजेंसी है, जो इंटेलिजेंस है, उसकी रिपोर्ट है कि वहां पर बकायदा कुछ लोगों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई, ये आपको क्या लगता है कि किस तरफ इशारा कर रहा है ये कि बकायदा हिंसा फैलाने के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी गई कुछ लोगों को? देखिए, भारत में अमन चैन स्थापित करना भारत सरकार की जिम्मेदारी है, एक एक नागरिक की जिम्मेदारी है। हमारा समाज हमेशा शांति प्रिय रहा है, इतिहास इस बात का गवाह है। हमारे लोगों को आज जो ये आज उत्पीड़न किया जा रहा है 2 तारीख के बाद में, उत्पीड़न पहले भी होता रहा था, लेकिन अब उत्पीड़न का दर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गया है। लोगों को गाली देना, इवन बाबा साहब अम्बेडकर जी को गाली देना, अगर तेरा भीम आएगा बचाने के लिए, ऐसी वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर जारी हो रही है। तो हम भारत के प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वो पूरे राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं और इस देश की एक चौथाई आबादी जिसको अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जाना जाता है, उसके सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के कंधों पर आती है। तो ऐसे असामाजिक तत्वों को वो पकड़े, उनको देखें और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और दूसरा, परमिशन मिली आपको? परमिशन कभी नहीं मिली किसी भी कार्यक्रम की, परमिशन कभी नहीं मिली। अभी अभी कार्यक्रम परसों हुआ था, 2 तारीख का जो कार्यक्रम था उसका भी जो DCP यहाँ के पार्लियामेंट स्टेट के हैं उनका पत्र हमारे यहाँ लगा हुआ है, उन्होंने परमिशन हमको नहीं दी थी। हमारा प्रोग्राम था कि हम मंडी हाउस से सुप्रीम कोर्ट की तरफ पूछ करेंगे, तो उन्होंने उस परमिशन को रद्द कर दिया और हमको कहा कि आप सूर्या मंडी हाउस से आप जो है पार्लियामेंट स्टेट उसकी भी लिखित परमिशन उन्होंने नहीं दी, और उसके बावजूद भी उनकी व्यवस्था है, सब पुलिस देखेगी उसकी। कोई एक जानकारी और मैं आपको शेयर करना चाहता हूं कि उस दिन 2 तारीख को एक चर्चा हुई थी कि 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट पर प्रदर्शन होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने वेरी नेक्स्ट डे वो सुनवाई की है और 10 दिन में अपना डिसीजन को रिव्यू करने की बात कही है। तो मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से अपने समाज के सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि 9 तारीख का जो हमारा एक घेराव करने का, जो हमारा प्रदर्शन करने का सुप्रीम कोर्ट में कार्यक्रम था, अभी उसको स्थगित रखा गया है, और अगर कोई नहीं दे पाएगी तो उसको विधिवत रूप से आपके माध्यम से सूचित किया जाएगा। तो मेरा सवाल यह है कि आपका जो 18 मार्च है, इससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, इसमें दो बातें बहुत साफ है। 18 मार्च के लिए हमने जो कॉल दिया है वो ये कहा है कि 17 तक अगर सरकार सारे केसेस वापस ले लेती है और एक न्यायिक जांच आयोग बिठाती है तो ये मार्च नहीं होगा, ये कॉल की कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर नहीं करती है तो हम खुद ही आके सरकार को गिरफ्तारी दे देंगे, क्यों परेशान हो रही है सरकार, और उसके बाद सरकार तय कर ले। ये सीधी बात है, 14 अप्रैल बाबा साहब की जयंती है, सरकार जानती है कि सारे दलित उसको होली और दिवाली से ज्यादा बेहतर मनाते हैं, कम से कम तब तक तो छूट दे दे, तब तक तो घरों में जाके दबिश न लगाए। ये ऐसे अपराध नहीं करने वाले लोग हैं ना जिन्होंने कोई बहुत बड़ा काम किया और जो सिद्ध भी नहीं हो रहा है। तो हमारी सरकार से इतनी गुजारिश है कि बाबा साहब की जयंती हमें प्रेम से आनंद से मनाने दें, उसके बाद वो अपने जाँच करें। लेकिन घरों पर जिस तरह के हमले हो रहे हैं, जैसे अभी 2 दिन पहले बुलंदशहर के पास हिंडौन गांव में 2 PSC की गाड़ियां पहुंच के बगैर ये सोचे समझे महिला बच्चों उनको तक को मारा, घर में घुस के विकलांगों तक को पीटा जाडौन में। तो कम से कम ये तो ना करें, और अगर उसको ये कर रहे हैं इसीलिए हम ये कॉल दे रहे हैं तो फिर हम गिरफ्तारी देंगे। कितने संगठन शामिल हो गए इसमें और कितनी? देखिए, ये सवाल संगठनों का नहीं है, समाज का है। 2 तारीख का कार्यक्रम भी समाज ने किया था, तो इसलिए ये कॉल और ये अपील समाज की तरफ से हम जारी कर रहे हैं। लेकिन जो भी शामिल होना चाहे, ये सवाल गिनतियों का नहीं है, सरों की गिनतियां नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ मुद्दे की बात कर रहे हैं। हमारा सवाल ये है कि इस लोकतंत्र में जीने का हक हमारे पास है या नहीं, हम उस हक की बात कर रहे हैं। और कोई सवाल?